अमोर डिजाइन इंस्टिट्यूटना विद्यार्थियों अने नारायण हॉस्पिटल अमदावादना सहयोगथी कैंसर सर्वाइवर्स साथे फैशन शो नु आयोजन करवामां आव्युं। साहेब मारा माटे तो तई जण भगवान छे, पहला मारा खास भगवानो बधा, एमां खास करीने गणपति दादा बराबर, बीजू छे मारा मां बाप, तीजू छे मनीषभाई साधवानी नितिन, એ મારા માટે ત્રણે જણ ભગવાન છે સાહેબ, મારા અંતી આગળ વધું નહીં। રોનક ભી જોડે ખાલી ચહેરો મારે એવું લાગે, પછી રુચિતભાઈ મનીષભાઈ જોડે મારે ટચિંગ હતું વધારે। મેં નારાયણા મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ રખ્યાલ અમદાવાદ મેં ફેસિલિટી ડાયરેક્ટર કી તરહ સે કામ કર રહા હું। आज अमोर इंस्टीट्यूट के साथ में हमने संयुक्त तत्वाधान में कैंसर की अवेयरनेस के लिए कैंसर के वॉरियर्स और कैंसर के जो मरीज जो हमारे यहाँ पे ट्रीटमेंट ले चुके हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी में या सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में, जो ऑपरेशन हुआ है या दवा से ठीक हुए हैं कैंसर के, उनको हमने यहाँ पे आज आमंत्रित किया। सारे मरीज उनको एज ए वॉरियर, एज ए विनर सोसाइटी के सामने प्रस्तुत किया, और उसको जो आज के युवा हैं जो इस फैशन इंस्टीट्यूट में यहाँ पे पढ़ते हैं उनके साथ में समाज के सामने ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किया। हमने साथ में इसमें जो डॉक्टर साहब की टीम है, डॉक्टर ऋषभ कोठारी जो कि हेड मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के हैं, डॉक्टर ऋषित जो डॉक्टर रौनक व्यास जो कि हेड सर्जिकल ऑन्कोलॉजी हैं, और इनकी बाकी टीम को भी यहाँ बुलाया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये था कि जनमानस में कैंसर को लेकर जो जो भ्रांतियाँ हैं, जो जो मिथ हैं, उसको दूर किया जा सके। और दूसरी बात, तन की सुंदरता हर व्यक्ति के लिए जरूरी होती है। मोड़ा का कैंसर बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है तंबाकू के कारण या अन्य कारणों से, स्त्रियों में ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, तो लोगों में ये मिथ्या होती है कि ये ऑपरेशन करने के बाद या कैंसर कराने के बाद